नमस्कार। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड सरकार की ओर से। आपको बता दें, प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी बड़ी खबर है। यहाँ पर आने वाले अब लाभार्थियों को, जो 3 से 6 वर्ष की आयु के होंगे, उनको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पूरी खबरों को जान लेते हैं और इसी के साथ ही कोई प्रतिक्रिया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर नए लोगों को कर लें। यहाँ पर हर खबरें वेरीफाइड और तथ्यात्मक दी जाती है, जो सच होता है वही बताया जाता है। उत्तराखंड सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल, यानी कि 0 से 6 साल नहीं, 3 से 6 साल की आयु के जो है 2.5 लाख बच्चों को अब जो है हॉट फूड यानी गर्म पका भोजन दिया जाएगा। ऐसी ही खबर हमने आज से कुछ महीने पहले आपको उत्तर प्रदेश शासन की ओर से बताई गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ दोस्तों, कि मामला धराशायी हो गया और यूपी में कोई भी जो है हॉट फूड योजना जो जनवरी से शुरू होनी थी वो नहीं हुई। दिसंबर में हमने आपको एक खबर दी थी जिसमें बताया था कि जनवरी से उत्तर प्रदेश में हॉट फूड योजना शुरू होगी, लेकिन यूपी में तो नहीं हुई। अब पड़ोसी जो उत्तर प्रदेश से कटकर राज्य बना उत्तराखंड, यहाँ से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर भी ऐसी ही खबर हम आपको बता रहे हैं, हॉट फूड की बात यहाँ पर की जा रही है और इस खबर को आपको पूरा जानना चाहिए। आगे भी एक खबर हम जानेंगे और इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं कि शासन की ओर से इस संबंध में निदेशक महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग को आदेश जारी कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने कहा है कि विभाग को इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कभी जो है पका तो कभी कच्चा राशन दिया जा रहा है। इस पर आदेश जारी किया गया है कि बच्चों को गर्म पका भोजन ही दिया जाएगा और इसके लिए वित्त प्रबंधन के लिए मातृ समिति का गठन किया जाएगा, यानी कि किया जाएगा की बात कर रहे हैं। अभी देखिए व्यवस्थाओं को यहाँ पर शुरू नहीं किया गया है। भविष्य में जो है जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में देखा, अगर कुछ हीला हवाली ना हुई, लापरवाही ना हुई, तो उत्तराखंड में भी आपको बता दें जो आदेश आया इसके तहत हॉट फूड योजना शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अभी जब तक शुरू नहीं की जाती तब तक हम इस खबर को सिर्फ जानते हैं समझते हैं। मातृ समिति गठन किया जाएगा इसके बारे में बात की गई है और मातृ समिति के गठन में कम से कम 7 सदस्य होंगे। समिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदेन सचिव का काम करेंगी और यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद खाली, मान लीजिए किसी जगह पर, कोई बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर सहायिका ही आंगनबाड़ी केंद्र संभाल रही है, या फिर आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्र पर कोई पद है सृजित है लेकिन वहाँ पर कोई वर्कर नहीं है, तो ऐसे में आपको बता दें पद खाली है तो सहायिका को सचिव बना दिया जाएगा। इसके अलावा एक गर्भवती महिला, एक धात्री महिला और एक महिला जो 7 माह से 3 साल के बच्चे की माँ है, समिति में सदस्य के रूप में शामिल होगी। फिर से आपको समझना चाहिए जो उत्तराखंड सरकार कह रही है, इसमें देखिए जो मातृ समिति का गठन होगा इसमें कम से कम 7 यानी 7 सदस्य तो होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 7 होंगे, जिसमें प्रमुख पद जो है आंगनबाड़ी कर्मी का होगा और इसके अलावा एक गर्भवती महिला भी सम्मिलित होगी, धात्री होगी, और एक महिला जो 7 माह से 3 साल के बच्चे की माँ है समिति में सदस्य के रूप में शामिल होगी। आगे देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हुई है इसमें, देखिए मेन्यू के बारे में जिक्र किया गया है कब क्या दिया जाएगा। अब देखिए इन्होंने मेन्यू तो तैयार कर दिया दोस्तों, इसी के साथ ही इन्होंने सब कुछ जानकारी शेयर कर दी, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसको लागू और कब से वितरण किया जाएगा इसके बारे में बड़ी बात है कि कब से वितरण किया जाएगा ये देखने को नहीं मिल रहा। खैर जान लेते हैं मेन्यू में क्या है। फिलहाल शासन की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सोमवार को नाश्ते में पोहे की नमकीन और भोजन में भरवा पराठा सब्जियाँ सहित दिया जाएगा। नाश्ता इन्होंने जो बनाया है वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पर देखने को मिले तब बड़ी बात है। मंगलवार को नाश्ते में भुना चना व गुड़ व भोजन में पुलाव, बुधवार को नाश्ते में मौसमी फल व भोजन में दलिया, बृहस्पतिवार को जो है नाश्ते में मंडवे का बिस्कुट व भोजन में दाल चावल, शुक्रवार को नाश्ते में भुना चना व गुड़ व भोजन में खिचड़ी सब्जी सहित जो है, शनिवार को नाश्ते में बच्चों को चौलाई के लड्डू, तिल में लड्डू व भोजन में झंगोरे की खीर दी जाएगी। तो स्थानीय स्तर पर लोग बता सकते हैं झंगोरे क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।